Hello, my lovely viewers. A very warm welcome to Just Speak English today. I am here with a very fantastic video, and this tells you about the kinds of noun. So we already have seen the noun, like what noun is actually, and we have seen the definition of noun in an overview of parts of speeches. You can get the link down below and you can check the video. But now we are going to discuss the detailed noun. So basically, noun has five kinds. Or noun has five categories. A noun is categorized in five ways. Let's see what are they. I have written here kinds of nouns, so I can say these are five, right? Now we have to see what are they five and how do we know, like how do we identify them. So for five, I can say first one goes with proper noun. Proper noun. Second one goes with common noun. Common noun. Third one goes collective noun. Fourth one says material noun. And the last but not the least, this is the fifth one, that is abstract noun. Correct. Now we have seen five kinds of noun are there. Pehla hamara hai proper noun. Proper noun ko hum Hindi mein kya kehte hain? Hindi mein hum isse kehte hain vyaktivachak sanyog. Vyaktivachak. And next आते हैं हमारा common noun. Common noun को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक. जातिवाचक. Collective noun होता है हमारा समूहवाचक. समूहवाचक. Next is material noun. मटीरियल नाउन आपको दो नाम से मिल जाएगा, या तो ये पदार्थवाचक लिखा मिल सकता है या द्रव्यवाचक. समटाइम इट इज सो बेसिकली मटीरियल इज पदार्थवाचक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम कहते हैं भाववाचक. ये हमारे हो गए हिंदी में. सपोज कोई अगर हिंदी में समझ रहा है, देन मोस्ट वेलकम. यू कैन अंडरस्टैंड इन बोथ लैंग्वेजेस. प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक. कॉमन नाउन है जातिवाचक. कलेक्टिव नाउन गोज फॉर समूहवाचक. मटेरियल नाउन गोज फॉर पदार्थवाचक. एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन गोज फॉर भाववाचक. राइट. सो बेसिकली ये आपके फाइव काइंड्स ऑफ नाउन है जिनको हमने काइंड्स ऑफ नाउन में रखा हुआ है. बट समझना हमें ये है कि ये प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये सब है क्या. सो लेट्स सी वन बाय वन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन को एज आई सेड हिंदी में हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक. सी वैसे तो व्यक्ति अगर हम बात करें तो व्यक्ति का मतलब पर्सन होता है. बट क्या यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्यक्ति का मतलब तो पर्सन है. सो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें सिर्फ पर्सन आते हैं, बिल्कुल भी नहीं. ओके, हिंदी में व्यक्ति लिखा है, आई एक्सेप्ट इट, बट दैट डजंट मींस दैट देयर आर ओनली पर्सन इन दिस काइंड ऑफ नाउन. प्रॉपर नाउन इज अ नाउन दैट टॉक्स अबाउट समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेसिफिक. Or you can say something that has a unique name, a unique value. So that one is a proper noun, vyaktivachak. So proper noun vyaktivachak ka matlab kya ho gaya Hindi mein agar hum baat kar rahe hain to, kisi bhi person ka particular naam hai, kisi cheez ka ek particular naam hai jo common nahi hai. Wo kya hai, wo ek specialized way mein hai ya personalized hai, to wo hum kahenge proper noun hai. Jaise ki If I say about a person, so person के लिए हम ले सकते हैं सीता. सीता क्या है, एक लड़की का नाम है. सो ये कोई person है, ये कोई specific person है. सीता हर कोई नहीं हो सकता, right? Similarly, I can ask
अबाउट अ प्लेस लेट्स से दैट लखनऊ. अब लखनऊ एक जगह है, एक सिटी है. लखनऊ हर कोई लखनऊ, हर कोई जगह या सिटी लखनऊ नहीं हो सकता. ये कोई पर्टिकुलर लखनऊ है या पर्टिकुलर जगह है जिसका नाम लखनऊ है, तो स्पेसिफिक जगह हो गया. तीसरा हम लेते हैं किसी भी चीज की बात. चीज की बात का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर चीज का कोई नाम है. सपोज आई सेड मैंगो. अब मैंगो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारी इसमें वैरायटीज आती हैं. जैसे कि मैंने कहा लंगड़ा, सो या दशहरी, वी कैन राइट दशहरी. यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मैंगो मैंने लिया और मैंगो क्या है, किसी चीज का नाम का है, फ्रूट का नाम है. इसका स्पेशल नाम क्या है, लंगड़ा है, दशहरा है. तो हमारा जो प्रॉपर नाउन है वो क्या हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा, दशहरा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैंगो जो है वो एक कॉमन नेम है. मैंगो के कोई भी तरीके का मैंगो हो सकता है, बट जो लंगड़ा है वो लंगड़ा आम ही होगा. जो दशहरी है वो पर्टिकुलर दशहरी आम है, उसकी कुछ क्वालिटीज हैं, वो स्पेसिफिक नाम दिया गया है उसे. तो मैंगो आपका यहाँ पे प्रॉपर नाउन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है. दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल. मैंगो का जो मेन आपका स्पेसिफाइड एक वैरायटी है, दैट इज लंगड़ा और दशहरी, ये आपके कहलाते हैं प्रॉपर नाउन. समझ गए? किसी भी चीज का स्पेसिफिक नाम या किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नाम, वो हमारा आ जाता है प्रॉपर नाउन में. तो जब हम किसी भी चीज को स्पेसिफिक बना देते हैं, किसी भी चीज को आप पर्सनलाइज कर देते हो, एक पर्टिकुलर नाम दे देते हो, तो वहां पे हम कहेंगे कि प्रॉपर नाउन ये व्यक्तिवाचक क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी व्यक्ति के पर्टिकुलर नाम को, किसी चीज के पर्टिकुलर नाम को या किसी जगह के पर्टिकुलर नाम को. आई होप प्रॉपर नाउन आप सभी को क्लियर हो गया है. लेट्स सी द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन किस बारे में बात करता है और कॉमन नाउन क्या है? सो नेक्स्ट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन की जब हम बात करें तो हिंदी में हम इसे कहते हैं जातिवाचक. कॉमन कॉमन क्यों है? क्यों? क्योंकि एक कॉमन ग्रुप, जो एक पूरे ग्रुप का एक कॉमन नाम दे दिया जाता है. जैसे मैंने पहला आपका एग्जांपल लिया था प्रॉपर में, सीता. तो सीता क्या है? एक गर्ल है. गर्ल का मतलब एक कैटेगरी है, लड़की है, जिसमें उसको डिवाइड कर दिया गया है. सीता है, गीता है. तो आपका गर्ल क्या है? एक कॉमन ग्रुप है, गर्ल है. उस ग्रुप में जितने भी गर्ल्स हैं वो आएंगे, जैसे आपकी सीता, गीता, प्रिया, सुप्रिया, एनीथिंग. तो वो क्या है? हमारा एक कॉमन व्यक्ति हो सकता है, कॉमन चीज हो सकती है, या कॉमन प्लेस का नाम हो सकता है. तो हो गया गर्ल. नेक्स्ट हमने लिया था लखनऊ. तो लखनऊ एक स्पेशलाइज्ड था, एक पर्टिकुलर नाम था सिटी का. बट सिटी क्या हो जाएगा आपका? सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. सिटी कोई भी सिटी हो सकती है, गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है. और नेक्स्ट हमने लिया था मैंगो. तो मैंगो का यू कैन राइट मैंगो, बिकॉज इफ यू से दशहरा या लंगड़ी आम, तो वो हमारे मैंगो में प्रॉपर नाउन में आ जाएंगे. बट अगर हम कह रहे हैं आम, मैंगो, तो वो हमारे क्या आ जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे. आई होप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन का डिफरेंस क्लियर है. प्रॉपर नाउन एक पर्टिकुलर चीज का नाम है, और कॉमन नाउन जो कॉमन चीजें हैं उनका नाम है. जैसे आपका पेन हो गया, पेंसिल हो गया, चेयर हो गया, एनीथिंग. तो ये सारे क्या है? ये आपके कॉमन नाउन है, बिकॉज ये कॉमन ग्रुप में आते हैं. सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वन वाज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव क्या होता है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है. इसे हम हिंदी में समूहवाचक के नाम से जानते हैं, समूहवाचक. अब क्या हिंदी में या इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक दोनों टर्म आपको पता है? कलेक्टिव एक कलेक्शन होगा किसी चीज का, सिमिलरली समूह किसी चीज का समूह होगा. जैसे कि हम बात करें बंच. बंच क्या है? एक गुच्छा है. किसका गुच्छा हो सकता है?
बंच ऑफ कीज हो सकता है, चाबियों का गुच्छा है. अनदर वन वी कैन से क्लास. क्लास किसका ग्रुप है? क्लास बच्चों का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है. सो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अनदर वन यू कैन से आर्मी. आर्मी क्या है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है जिसमें बहुत सारे आर्मी, एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा ग्रुप आता है. आर्मी में पूरी आर्मी आती है, बहुत सारा पर्सनल आता है, तो हमारा हो गया आर्मी. सिमिलरली बहुत सारे आपके कलेक्टिव नाउन के एग्जांपल हो सकते हैं. फैमिली, जिसमें एक से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व है, वो आपके समूहवाचक में आ जाते हैं. एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व है, एक से ज्यादा एनिमल इन्वॉल्व है, वो सारे क्या आ जाते हैं? आपके कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं. क्लियर है? तो ये हो गया आपका बंच ऑफ कीज, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, आर्मी है, फैमिली है. तो ग्रुप को जो रिप्रेजेंट करेंगे वो आपके कलेक्टिव नाउन कहलाएंगे. अगला आता है हमारा मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन नाम से ही पता चल रहा है, ये हमारा फोर्थ काइंड्स ऑफ नाउन है, मटेरियल नाउन. मटेरियल का मतलब कोई भी मटेरियल. जब हम किसी मटेरियल की बात करेंगे, पदार्थवाचक इन हिंदी. अब यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन ये होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि जो चेयर है क्या वो आपका मटेरियल नाउन है क्योंकि वो लकड़ी से बना है, या फिर कोई भी ऐसी चीज मेज है क्या वो आपका मटेरियल नाउन है क्योंकि वो लकड़ी से बना है. बिल्कुल भी नहीं. सी, मटेरियल का मतलब होता है हमारा जो रॉ मटेरियल होता है, जिससे हम चीजें बनाते हैं, जिससे प्रोडक्ट बनता है, उन चीजों को हम मटेरियल की कैटेगरी में रखते हैं. सिमिलरली वही हम नाउन के साथ करेंगे. मटेरियल में हम क्या क्या ले सकते हैं? वी कैन से वुड. अब वुड हमारा मटेरियल है. वुड से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. टेबल बनेगा, चेयर बनेगा, बेड बनेगा, एनीथिंग, डोर बनेगा. तो वुड हमारा मटेरियल क्या है इन सब का? वुड. सो जो टेबल चेयर जो बन चुका है वो क्या हो जाता है? वो प्रोडक्ट हो जाता है. और प्रोडक्ट आपके क्या जाएंगे? कॉमन नाउन में आ जाएंगे. ठीक है, तो टेबल चेयर वगैरह कॉमन नाउन है. जिस चीज से बने हैं, जो मटेरियल यूज हुआ है, वो आपका वुड है. नेक्स्ट यू कैन से मिल्क, बिकॉज मिल्क से आप स्वीट्स बना सकते हैं, खोया बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. सो मिल्क इज ऑल्सो मटेरियल. वाटर, इट इज ऑल्सो यूज इन मैनी डिशेज. वाटर, तो वाटर भी आपका एक क्या है? मटेरियल है. गहने बनाने के लिए आप गोल्ड और सिल्वर का यूज करते हैं. सो यू कैन से गोल्ड और सिल्वर, ये क्या है आपके? ये मटेरियल है. एनी लाइक स्टील है आपका, ये क्या है? एक मटेरियल है. तो कोई भी रॉ मटेरियल जिससे हम चीजों को बनाते हैं, जो प्रोडक्शन में यूज होती है, वो हमारी कहलाती है मटेरियल नाउन. आई होप अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे. जो बन चुका है वो क्या है? वो प्रोडक्ट है. लकड़ी से बनी हुई मेज, लकड़ी हमारी जो है वो क्या है? वुड है, मटेरियल है, पदार्थवाचक है. बट अब मेज बन गई है तो वो एक प्रोडक्ट है, वो क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन ना होके कॉमन नाउन में आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स सी द लास्ट वन. दैट वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बिकॉज इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम हिंदी में भाववाचक के नाम से जानते हैं, भाववाचक. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाता है? कोई भी फीलिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसे आप फील तो कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, तो वो हमारी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि मैंने क्या कहा? ब्यूटी. ब्यूटी क्या है हमारी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगी ब्यूटी. अब ब्यूटी क्या है? आप देख सकते हो, देख के आपको लग रहा है कि कोई ब्यूटीफुल है, सुंदरता है, तो वो हमारी क्या आ जाएगी? ब्यूटी. सिमिलर और क्या हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? फीलिंग्स आपकी क्या हो सकती है? सक्सेस, सफलता. अब कोई हो जाता है सफल हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो उसने क्या देख लिया? उसने सक्सेस देखा. सक्सेस मतलब सफलता देखा. तो ये हमारा कौन सा नाउन है? भाववाचक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ऑनेस्ट, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी, यहाँ पे हम लेंगे ऑनेस्टी.
ऑनेस्टी, ईमानदारी, किसी पर्सन की ईमानदारी, तो वो क्या आ जाती है हमारी ऑनेस्टी. जैसे कोई पर्सन है वो बहुत ईमानदार है, सो आई कैन से दैट पर्सन इज वेरी ऑनेस्ट, बट वहां पे हम उसकी ऑनेस्टी को देख रहे होते हैं, तो ये हमारा हो जाता है भाववाचक या एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब देखो मैंने कहा कि ये आपके नाउन है, बट ब्यूटीफुल से बन जाता है, ब्यूटी से बना है ब्यूटीफुल, मतलब सुंदर. सक्सेस से बना है सक्सेसफुल, मतलब सफल. और ऑनेस्ट से बना है, ऑनेस्टी से बना है ऑनेस्ट. ये आपके वर्ड देखोगे तो एक ही वर्ड से बने हुए हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये नाउन है और ये आपके एडजेक्टिव्स हैं. सो ब्यूटी से ब्यूटीफुल अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव है, एक नाउन के बारे में बता रहा है. सक्सेस से सक्सेसफुल हो गया तो सक्सेसफुल क्या है, एडजेक्टिव है. ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है. तो हम यहाँ पे ये डिफरेंस आपको से बता रहे थे, हमें एडजेक्टिव्स को अभी नहीं देखना है. हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, ब्यूटी है, सक्सेस है, ऑनेस्टी है. क्लियर है? सो आई थिंक ये सारे हमने 5 काइंड्स ऑफ नाउन देख लिए हैं. इनमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. अगर है देन गो एंड वॉच दिस वीडियो अगेन. आई थिंक यू वुड डेफिनेटली गेट इट क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट्स. Or if you have any question related to these kinds of noun, then don't forget to hit the bell icon there and comment below what is your query and question. Thank you so much guys for watching this video.